नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स पे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नेवी डबल एसएसआर एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए जीके का लाइव प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जहां पे हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें से आपके 25 क्वेश्चन आपके नेवी डबल एसएसआर और एमआर के एग्जाम में जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ठीक है, उन्हीं ये प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो आप अपना स्कोर कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं कि आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय है। तो ग्रीनविच मीन टाइम से जो भारत का समय है वह है आपका 5.5 घंटे आगे, ठीक है, 5:30 आगे है ग्रीनविच टाइम से भारत का समय, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात होती है यहाँ पे, विमानवाहक पोत एडमिरल गोर्सकोव किस देश से खरीदा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रूस से। जो आपका विमानवाहक है पोत एडमिरल, ठीक है, गोर्सकोव, वो आपका रशिया से खरीदा गया, यानी कि रूस से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। और आप बता सकते हैं फ्रेंड्स, आपको पता हो तो, ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सेकंड यहाँ पे अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की, कि लोकसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं। चौथा क्वेश्चन और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं, उत्तर प्रदेश के लोकसभा में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो पांचवा क्वेश्चन और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। भारत में वोट डालने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, तो वह इस समय डी, 18 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। कौन सी बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन है, और आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टका। बांग्लादेश की जो मुद्रा है आपकी वो है टका, ठीक है, टका यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, निम्न में से वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दी जाती है। तो जो आपकी फ्री थ्रो दी जाती है वो दी जाती है ऑप्शन ए, बास्केटबॉल में आपका फ्री थ्रो दिया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स आपका जो गेमिंग से क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो गेमिंग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कर लीजिए, और जितने भी गेम्स होने वाले हैं या हो गए हैं वो सारे क्वेश्चन से वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप कर लीजिए, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है यहाँ पे आपका ए, कि थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को क्या कहते हैं। तो थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को आपका कहते हैं प्लाटून, ठीक है, थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ों को प्लाटून कहा जाता है। टेंथ क्वेश्चन है आपका, भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है। टेंथ क्वेश्चन है आपका और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। इलेवेंथ क्वेश्चन आपका, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है। तो आपका 11th क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री अक्षांश पर आपकी पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। 12th क्वेश्चन है आपका, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो 12th क्वेश्चन और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंड, जो आपका इंडिया में ऋतु परिवर्तन, ठीक है, पृथ्वी की जो घुमाव की जो गति है, ठीक है, उसी के कारण आपका ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है, वार्षिक गति के कारण, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। 13th क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग निम्न में से कौन सा है। तो 13th क्वेश्चन और इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, उत्तर अटलांटिक मार्ग सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है, ठीक है। ये फ्रेंड्स सर्वाधिक व्यस्त इसलिए है, इसलिए बिजी ज़्यादा रहता है क्योंकि ये समुद्री व्यापारिक मार्ग है, ठीक है। 14th क्वेश्चन है आपका, ताशकंद शहर किस देश में स्थित है। तो 14th क्वेश्चन और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कजाकिस्तान में आपका ताशकंद शहर स्थित है। 15th क्वेश्चन बी, यहाँ पे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया था नेवी में, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी। 16th क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित होंगे। तो 16th क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, चीन में, यानी कि चाइना में आपके एशियाई खेल 2022 आयोजित किए जाएंगे।
17 क्वेश्चन है आपका, 2014 को नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला? 2014 का जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स, उसका सही आंसर मिला था, डी आंसर सही हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी को आपका 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। 18 क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार विंबलडन खिताब जीता है? यह बहुत बार रिपीट होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजर फेडरर। 19 क्वेश्चन है आपका, ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी है आपकी तेहरान, ठीक है, ईरान की राजधानी है आपकी तेहरान, ठीक है। अफगानिस्तान की फ्रेंड्स आपकी जो राजधानी है वो काबुल है, और भूटान थिम्पू, जो थिम्पू राजधानी है वो भूटान की है, ठीक है। तो अफगानिस्तान की आपकी काबुल हो गई, भूटान की थिम्पू हो गई, और ईरान की तेहरान हो गई, ठीक है। मैकमोहन लेक लाइन किन देशों के बीच है? तो भारत और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है, कौन सी है? भारत और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने कई बार कराया है, कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, जो कि रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ। और जो फ्रेंड्स अंग्रेज था रेड क्लिफ, उसी के नाम पर भारत और पाकिस्तान के लाइन का नाम रेड क्लिफ लाइन रखा गया है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है। 21 क्वेश्चन आता है आपका, भारत एक खोज किताब किसने लिखी? भारत एक खोज जो किताब लिखी गई है वह लिखी गई है आपकी सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, भारत एक खोज किताब लिखी गई है, ठीक है। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की, कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो 22 का सही आंसर होगा यहाँ पे भी, सुभाष चंद्र बोस ने आपका दिल्ली चलो का नारा दिया, किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। वाराणसी किस नदी पर स्थित है? तो 23 क्वेश्चन, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गंगा नदी पर आपका वाराणसी स्थित है, ठीक है, संगम में, गंगा यमुना के संगम में, ठीक है, वाराणसी आपका गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी की तट पर स्थित है, ठीक है। वेद कितने हैं आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन, चार वेद हैं, ठीक है, जिसमें प्रथम फ्रेंड्स ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत में पहली रेल कब चली? तो 25 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 में भारत में पहली रेल चली थी, ठीक है, 1853 में भारत में प्रथम रेल चली थी, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स हमने यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आप कितना कर पाए हो वो कमेंट सेशन में शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।